मैहर के वार्ड नंबर 10 का है मामला। झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले वर्मा परिवार गरीबों के आवास योजना में हेर फेर। स्टे हटाने के लिए मैहर तहसीलदार मानवेंद्र सिंह द्वारा पीड़िता से मांगे जा रहे हैं 20,000 रुपए। सरकार से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा भ्रष्टाचार। 20,000 दोगी तो होगा खारिज, नहीं होगा मैं सब उसको दे दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत। मैं दिखा रहा हूँ एक गरीब आदमी के घर और आवास योजना से जुड़ी हुई जो खबर है उस जी मिला है। इसी जमीन पर मुझे मेरी माँ की जमीन है, हम लोग 4 बहन हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे घर का कोई भी बंटवारा नहीं किया गया, कहीं से भी नहीं हुआ। और मेरी बड़ी बहन ने ज्यादा हिस्सों में मेरी जगह कब्जा की हुई है। और मेरा यहाँ से यहाँ तक बस बनना है, उसमें इस तरह लगाई हुई है। 1 महीने से पेशी पे पेशी बढ़ाई जा रही है। तहसीलदार मानवेंद्र सिंह जो मैहर में पदस्थ हैं, तो वो अब स्टे हटाने के लिए 20,000 की मांग कर रहे हैं। मेरे पेशी पे पेशी 1 महीने से बढ़ाई की जा रही, मैं पैदल कैसे सर जाती हूँ, कैसे आती हूँ, और कोई मेरा सुनवाई नहीं। यहाँ नहीं रहते हैं। क्या काम करते हो? मैं झाड़ू पोछा घर घर जाके करती, 3 जगह ही करती। सर मानी चाहिए ऐसे व्यवस्थापक, ऐसे प्रशासक को। दरअसल सतना जिले के जैतवारा संकुल अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला चिल्ला में होती है जमकर शराबखोरी। वहां पर पदस्थ प्रधानाचार्य शिक्षक अरुण गौतम द्वारा संदिग्ध लोगों के साथ बैठकर आए दिन विद्यालय परिसर के अंदर ही चलकाए जाते हैं जाम पे जाम। प्राथमिक शाला चिल्ला में अपने बच्चों को एडमिशन करवाने से कतराते हैं अभिभावक। लोगों का कहना है कि पैसों के दम पर नहीं होती शिक्षक अरुण गौतम के ऊपर कोई कार्रवाई। सूबेदार अनिमा शर्मा ने सहयोगी स्टाफ के साथ बुधवार दोपहर मौदा पतेरी के पास सघन चेकिंग अभियान चलाकर स्कूल बसों को किया चेक। इस दौरान स्पीड गवर्नर फर्स्ट एड किट समेत आवश्यक सुरक्षा इंतजाम के साथ ड्राइवर कंडक्टर के रिकॉर्ड चेक किए गए। बच्चों को यातायात के नियम की जानकारी भी दी गई। के अधिकारी पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया आवास से निकली लगभग 29 करोड़ रुपए की नकदी, 5 किलो सोना। अर्पिता मुखर्जी के दोनों आवास से अब तक कुल 51 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। सौंत के सराफा व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता सतीश सोनी की दुकान में घुसकर दुकान मालिक द्वारा मारपीट की गई। पुलिस ने किया मारपीट का मामला पंजीबद्ध, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भ्रष्टाचार में लिप्त संतोष सोनी भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। सूत्रों का कहना है कि जो चुनाव में जीतकर वार्ड नंबर 1 से पार्षद बना, क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार में लिप्त जिन्होंने किया है आदिवासियों का शोषण, ऐसे आदमी को क्यों बनाया जा रहा है मैहर नगर पालिका अध्यक्ष? इससे हो रही बीजेपी की बदनामी, प्रदेश सरकार के अंदर हो रही किरकिरी, प्रशासन करे भू माफिया संतोष सोनी के खिलाफ कड़ी जाँच। संतोष सोनी का कहना है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका इनकम टैक्स रीवा संभाग। शिवराज सिंह चौहान जी से अपील है कि इस मामले में जल्द से जल्द हो कार्यवाही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी लगातार देश में विपक्ष के नेताओं के विरोध, राजनीतिक दुराग्रह के कारण केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का किए जा रहे दुरुपयोग के मुखालफत किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का किया गया पुतला दहन।